नमस्कार आपण देखुं पॉजिटिव भारत आगो को बढ़िया किंतु प्रथम देखने हेडलाइंस कृषि और कृषकों प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ सम्मान गणतंत्र रे देखाइले महानता और बड़ हृदय प्रस्तावित कृषि आईन प्रत्याहार नहीं कले घोषणा कहले चाषी समर्पित थिला नुआ आईन किछु लोकों को फारिलुने बुझाई महोबारे बहु विकासमूलक योजनार लोकार्पण कले प्रधानमंत्री अर्जुन सहायता योजनार कले शुभारंभ उपकृत हेबे 10 लाख अधिक चाषी विरोधी को टार्गेट करी कहले सेमाने समस्या नहीं करुछंती राजनीति आउ आमे समाधान र करुछु राष्ट्रनीति गुरु नानक देव का 552 पवित्र जयंती सारा देश में पालन गुरुद्वारे एकाठी हुई प्रकाश पर्व पालन कले सिख श्रद्धालु अमृतसर स्वर्ण मंदिर है सामूहिक प्रार्थना भगवान वेंकटेश्वर नगरी में वर्षार तांडव तिरुपति मंदिर में पशिला पा प्रबल वर्षा पर बनार फसिले तीर्थयात्री भासिले पशु गाड़ी सेपटे तमिलनाडु में प्रबल वर्षार घर भुशुड़ी नवभूत भारत न्यूजीलैंड टी20 सीरीज रा द्वितीय मैच किसी समय पर रांची रे मुकाबला मैच जीती सीरीज कब्जा लक्ष्य रे पड़िया को लाइव टीम इंडिया झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जयंती रे सेना द्वारा आयोजित तीन दिनिया राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में सामिल होगा झांसी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंची आउ ये प्रधानमंत्री वायुसेना मुख्य को लाइट कमबैक हेलिकॉप्टर हस्तांतर कर उन्नत धरण फवार फेयर सुट हस्तांतर कर तेरे ये अवसर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान संबोधन कर केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि झांसी में 1034 हेक्टेयर का लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है और जिसमें प्रस्तावित निवेश अब तक 603 करोड़ रुपए का हमें प्राप्त हुआ है। चित्रकूट में 101 हेक्टेयर का, कानपुर में 184 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 81 हेक्टेयर और लखनऊ में 80 हेक्टेयर अब तक लैंड बैंक के रूप में हम लोगों ने अपने पास सुरक्षित रखा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर 183 हेक्टेयर भूमि हम उत्तर प्रदेश शासन ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को प्रदान कर दी है। उसकी सभी प्रकार की लीज डीड की रजिस्ट्री की सभी प्रकार की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ने का होगा। आज का दिवस हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और पूरी दुनिया को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए जिस एक नए अभियान को आगे बढ़ाया है जिसका वो स्वयं नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने उनके नेतृत्व में 2017 से अब तक 1440 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट अब तक प्रदेश में कमीशन किए हैं। और आज यहां पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं TSDC इंडिया लिमिटेड की भागीदारी से 600 मेगावाट के एक नए सोलर पावर प्लांट का यहां पर आधारशिला रखी है।
जो इसी झांसी जनपद में स्थापित होगा। यहां पर इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही 2,850 एकड़ भूमि इसके लिए उन्हें आवंटित की है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसमें प्रस्तावित है और लगभग 6,000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं यहां पर इसके माध्यम से प्राप्त होंगी। इसके साथ ही यहां पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल एकता पार्क का भी लोकार्पण किया है। श्रद्धेय अटल जी, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उन्होंने देश की संसद में किया। भारत के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच, एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार करता हुआ यह अटल एकता पार्क आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी मिशन का वह पार्ट है, जिसमें हमारे शहर भी अब केवल सामान्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त न हो बल्कि अपने आप में स्मार्ट बने और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए न केवल वहां पर अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो बल्कि वहां पर लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हों जिनके लिए शहरी क्षेत्र में एक सामान्य नागरिक आकर के एक विश्वास के साथ आता है। और आज उत्तर प्रदेश 17 ऐसी सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहा है। उसी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अटल एकता पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झांसी में भी यहां पर किया है। बुंदेलखंड के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के एक तरफ बुंदेलखंड के एक छोर पे प्रधानमंत्री जी ने आज जल जीवन मिशन से जुड़े हुए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े हुए बड़े बड़े परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, राष्ट्र को उन्हें समर्पित किया है। और आज दूसरी ओर रक्षा सेना को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जय जवान जय किसान के इस अभियान को साकार करने और हर काम देश के नाम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज स्वयं बुंदेलखंड की धरती पर आकर के उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के इस आयोजन पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कि इस त्याग और बलिदान की इस भूमि पर उनके 193वीं पावन जयंती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का इसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में राज्य में जारी विकास परियोजनाओं का विस्तार से विवरण देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटे काम करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। ये महान शब्द है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप भारत को सुनहरे सुरक्षित और शक्तिशाली भविष्य की ओर अभूतपूर्व गति से ले जा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं जानती हूं कि आप सब बेसब्री से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के पल अब समाप्त हुए। प्रगतिशील भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए भारत सरकार के प्रयासों में भागीदार बनने की अपील करते हुए समस्त भारतवासियों को अब संबोधित करेंगे भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
जौन धरती पर हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपना सबई नोछावर कर दो वा धरती के बासियन खो हमाओ हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती, इतई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, देश का रक्षा मंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी प्रतिनिधि और मेरे बहुत वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, सभ्य अन्य अधिकारीगण, एनसीसी कैडेट्स और एलुमनी और उपस्थित साथियों, झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो, ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो, ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो। और आज तो शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जयंती भी है। आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। ऐसे में आज झांसी में आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में आसान नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार मेरी झांसी का जो मनोभाव मेरे मन में उमड़ रहा है, वो बुंदेलखंड के जन जन की ऊर्जा है, उनकी प्रेरणा है। मैं इस जागरूक चेतना को महसूस भी कर रहा हूं और झांसी को बोलते हुए सुन भी रहा हूं। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों की इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है। और यह भी मेरा सौभाग्य है
कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं, मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है। इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से मैं झांसी को नमन करता हूं। वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ देव दीपावली भी है। मैं गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए सभी देशवासियों के इन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देव दीपावली पर काशी एक अद्भुत दैवीय प्रकाश में सकती है। हमारे शहीदों के लिए गंगा के घाटों पर दिए जलाते जाते हैं। पिछली बार मैं देव दीपावली पर काशी में ही था और आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर झांसी में हूं। मैं झांसी की धरती से अपनी काशी के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही वीरांगना जलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही है। मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की उस अमर वीरांगना के चरणों में भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नमन करता हूं इस धरती से भारतीय शौर्य और संस्कृति की अमर गाथाएं लिखने वाले चंदेलों बुंदेलों को, जिन्होंने भारत की वीरता का लोहा मनवाया। मैं नमन करता हूं बुंदेलखंड के गौरव उन वीर अल्लाह उदल को, जो आज भी मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान के प्रतीक है। ऐसे कितने ही अमर सेनानी, महान क्रांतिकारी, युग नायक और युग नायिकाएं रही हैं, जिनका इस झांसी से विशेष रिश्ता रहा है, जिन्होंने यहां से प्रेरणा पाई है। मैं उन सभी महान विभूतियों को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में उनके साथ लड़ने वाले, बलिदान देने वाले आप सब लोगों के ही तो पूर्वज थे। इस धरती की आप सब संतानों के माध्यम से मैं उन बलिदानियों को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज मैं झांसी के एक और सपूत मेजर ध्यानचंद जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। अभी कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने देश के खेल रत्न अवार्ड्स को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। झांसी के बेटे का, झांसी का यह सम्मान हम सभी को गौरवान्वित करता है। साथियों, यहां आने से पहले मैं महोबा में था, जहां बुंदेलखंड की जल समस्या के समाधान के लिए पानी से जुड़ी योजनाओं और दूसरी विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे मिला। और अब झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का हिस्सा बन रहा हूं। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में
एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। साथियों, इसके साथ ही आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का समर्थन किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। साथियों, आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है, तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की भी शुरुआत की है। आपण शुणुले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को झांसी रे अनुष्ठित स्वतंत्र कार्यक्रम, झांसी राणी लक्ष्मीबाई का जयंती अवसर रे अनुष्ठित, जोथिरे कि प्रधानमंत्री मोदी निजर वक्तव्य रखुले। परवर्त खबर को जी, एणिकी अवसान घटे कृषि आईन को नहीं दीर्घ दिन धरी लग रही बदर आव दीपावली गुरु नानक पवित्र जयंती अवसर में केन्द्र सरकार एक ऐतिहासिक निष्पत्ति संपर्क घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कृषि और कृषकों समृद्धि पर अतिश हृदयतार सहित देखाई निजर महानता और प्रतिबद्धता। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। समय पॉजिटिव भारत रे वर्तमान पर खबर को रखा। नमस्कार।